मजदूरों की समस्याओं के निदान की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मजदूर संघ के नेताओं ने कहा कि उनकी लंबित समस्याओं के निदान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीसीएन न्यूज के लिए पेश है हिमांशु जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण मजदूर संघ ने विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि मजदूरों की लंबित समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा है। संगठन ने श्रम विभाग पर मजदूरों का उत्पीड़न करने तथा उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। सर, यहाँ जनपद बागेश्वर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पिछले 2-3 साल से कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। श्रम विभाग जो इसका जिस माध्यम श्रमिकों को तो लाभ पहुँचाने का जो माध्यम श्रम विभाग है, वहाँ पर अनर्गल टाइप के दस्तावेज मजदूरों को लाभ के लिए मांगे जाते हैं। उत्तराखंड में किसी भी जिले में जो भी कार्यदायी संस्थाएँ होती हैं, जो संनिर्माण के कार्य होते हैं, कोई भी कार्य मस्टॉल पर नहीं होता है। आज जो मजदूर साल भर पूरा काम करता है और जब उसका लाभ का समय आता है विधान के अनुसार नियमानुवली के अनुसार, तो उनको मस्टॉल का कागज मांगा जा रहा है। मस्टॉल में कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो कहाँ से मस्टॉल आएगा? इसलिए सारे मजदूर हमारे वंचित हो गए हैं। कई मजदूर के खाते में 1000 रुपये नहीं आया है अभी तक। कई को न विवाह उपरांत सहायता, न मृत्यु उपरांत सहायता मिल रही है, न प्रसव उपरांत मिल रही है, न छात्रवृत्ति मिली है। हजारों सैकड़ों श्रमिकों ने छात्रवृत्ति के आवेदन लगाया, अभी तक कभी कुछ नहीं मिला। और हम आज यहाँ से ज्ञापन दे रहे हैं, 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, और 15 दिन के अंदर अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, उसके बाद हम जितने भी संनिर्माण मजदूर हैं सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन अनशन जो भी होगा, हम जो हमसे लगेगा कि होना है तो हम करके रहेंगे। हमारे आज श्रम विभाग में काफ़ी अनियमितताएँ कर दी हमारे मजदूर वर्ग के लिए, जिनका पंजीकरण आज तक हुआ है। अब उनसे जो है लाभ के टाइम में ये 90 दिन का प्रमाण मांग रहे हैं। अब लॉकडाउन में सरकार ने बैठे बैठे घर बैठे लोगों को जो है खिलाया और इनके खाते में पैसा डाला। अब जिनके खाते में पैसा नहीं है वो ये कह रहे हैं 90 दिन का प्रमाण लाओ। कहाँ से लाएंगे? मरणोपरांत है, उसमें भी 90 दिन का लाओ करें। वो मर गया, उसका कहाँ से लाएँ अब? है, और शादी वाले का है, वैसे ही शादी वाले का कर रहे हैं ये। तो फाइलें सब इन्होंने पहले तैयार कर ली और पैसा ये खा गए हैं, किसी से 2000, किसी से 10000, किसी से 5000 हैं। ये मजाक बना रखा है इन्होंने, इनका मजाक हम सब निकालेंगे। अब ये चकना चूर करेंगे इनका, जिम साहब से मिलेंगे हम। ये बिल्कुल ही इन्होंने बिल्कुल हद से हद की सीमाएं पार कर दी हैं। एक तो घोटाले पर घोटाला ये स्वयं कर रहे हैं, स्वयं कर रहा है। और बोल्ड अभी जो है अनदेखी कर रहा है, अनजाने पने में भाई, जानकार होते हुए भी भाई या तो विभाग तुमने खोला ही नहीं होता, और मांग पूरी नहीं होगी। मांग हमारी पूरी नहीं, जब तक नहीं होगी हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन सब करेंगे, आमरण अनशन तक करेंगे हम। यहाँ मजदूरों को जो है हमारे बड़े मुश्किल से श्रम विभाग लाए और यहाँ ये इतने बड़े घोटाले कर रहे हैं, ये मजदूरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं।